तो गाइस, आज का हमारा ये वीडियो है विल्सिंग ग्लास रिप्लेस किस तरह करने का। तो आज हम इसका फ्रंट ग्लास रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है विल्सिंग ग्लास रिप्लेस करने का, वो हमारा सारा हो रहा है। देख लीजिए किस तरह से रिप्लेस करने का हमारा काम चालू है। हम आपको रिप्लेस करके दिखाते हैं। ये हमारी मारुति की SX4 गाड़ी है जिसका हम फ्रंट ग्लास रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से टूट चुका है। ये देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से टूटा हुआ है कांच पूरा ऊपर से नीचे तक। तो इसके लिए हम इसका फ्रंट ग्लास रिप्लेस कर रहे हैं। इसका नया वाला कांच देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारा कांच बाहर आ चुका है, जूना वाला कांच। जो सीलेंट है वो साफ कर रहे हैं अच्छे से, देखिए, क्योंकि जूना सीलेंट साफ करके नया सीलेंट लगाना पड़ेगा। ये देखिए इसका जूना सीलेंट है कांच का, ये पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा। जितना भी सीलेंट लगा हुआ है इस पे कांच पे, ये देखिए ये सारे सीलेंट साफ करके जूने, फिर इसमें नया सीलेंट भरकर फिर इस पे कांच लगाया जाएगा। चारों साइड का सीलेंट था पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, देख लीजिए। अब इसको थोड़ा पेपर मार कर हम थोड़ा और अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि हमारा सीलेंट जो नया वाला है पकड़ सके। तो देख सकते हैं इसको पॉलिश पेपर से मार कर पूरा फिनिशिंग ला रहे हैं। हवा मार कर पूरी तरह से क्लीन कर रहे हैं। तो हमने पॉलिश पेपर मारा था, इससे इसको हवा मार कर पूरा साफ करें कचरा। हवा मारकर अब सीलेंट भरेंगे और कांच लगाएंगे। तो ये हमारा हवा मारकर भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो काला कलर दिख रहा है उस पर हम थोड़ा काला कलर मार देंगे ताकि हमारा कांच बिठाने के बाद ऐसा रस्टिंग पार्ट ना दिखे। ये देखिए दोनों साइड में जितना रस्ट पकड़ा है उसको काला कलर मार के थोड़ा फिनिशिंग कर देंगे और उसके बाद हम सीलेंट लगा कर और कांच फिट करेंगे। तो देखिए हमारा कलर मारा जा रहा है। Gracias.
तो इसी प्रकार से हम चारों बाजू कलर मार लेंगे, और कलर मारने के बाद फिर आपको जब कांच फिटिंग करेंगे तब आपको दिखाते हैं हम। तो ये हमारा नया वाला ग्लास है, ये देख सकते हैं, ये आगे का हमारा फ्रंट ग्लास है जो अभी ये गाड़ी में फिट करने वाला है SX4 में। इसका जो कांच का मोल्डिंग है उसको चिपका कर ले रहे टेप से, देखिए, ताकि वो इधर उधर ना जाए, एक लाइन फिनिशिंग में आए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, हमारा कलर का काम चालू है। कलर का काम फाइनल होने के बाद फिर इसमें सीलेंट लगाएंगे कांच का, और उसके बाद कांच को बिठा देंगे। ये देखिए राइट साइड से हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए पूरा कलर मार दिया गया है। ये हमारा लेफ्ट साइड में मारा जा रहा है, लेफ्ट साइड से भी कंप्लीट होने आया है। बस ये काला कलर मार कर और उसके बाद इसमें कांच का सीलेंट भरेंगे और कांच लगाएंगे। तो आप लोग, ये हमारा कांच का सीलेंट है जो ये गाड़ी में लगेगा। ये हमारा कांच का जो सीलेंट आता है वो देखे भरा जा रहा है। ये हमारा ग्लास का सीलेंट है, ये हमारा राइट साइड से पूरा कंप्लीट हो चुका है भर के सीलेंट। अभी लेफ्ट साइड का भरा जा रहा है, देखिए। सीलेंट भरकर कंप्लीट हो चुका है, अब इसका कांच फिटिंग करेंगे। ये इसका कांच है, देखिए हमारा नया वाला जो इस गाड़ी में हम फिट करने वाले हैं। तो ये हमारा कांच पूरी तरह से फाइनल फिट हो चुका है। अब इसको टेप मार कर 2 दिन हम छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि कांच एक जगह पे प्रॉपर फिट हो जाए, हिले डुले ना, ठीक है। तो देखिए इसको पूरा टेपिंग किया जा रहा है, अच्छा टेपिंग मार कर 2 दिन पूरी तरह से इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद इसका 2 दिन बाद टेपिंग निकालेंगे। ये हमारा आगे का जो कांच पूरी तरह से एकदम फाइनल फिट हो चुका है, हमने जो इसमें टेपिंग किया था वो भी निकाल दिया है, देख लीजिए, क्योंकि हमने इसको कल शाम को 4 बजे कुछ बिठाया था, तो कल शाम 4 बजे से अभी सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से इसी छोड़ दिया था। इसको हाथ भी नहीं लगा, गाड़ी को हिलाया भी नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे बिठाएंगे तो कम से कम 6-7 घंटे के लिए गाड़ी को हिलाइएगा नहीं, जैसे इसका जो लोकेशन रहता है ना, जगह वो छोड़ देता है, आपका कांच नीचे भी आ सकता है गम लगने के कारण। उस वजह से हमने इसको पूरी तरह से वैसे ही रखा था, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये हमारा कांच था नया वाला, पुराना वाला देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ से फूटा हुआ था पूरा, इसके लिए हमने इसको रिप्लेस किया था। फ्रेंड, आज का हमारा ये वीडियो था कि कांच रिप्लेस करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से उसको, क्या क्या उसके लिए आपको ओपन करने के लिए क्या क्या किससे कटर से काटना पड़ेगा, उसको क्या क्या लगता है, सीलेंट लगता है आपका, अगर बॉडी लाइन सड़ा रहेगा तो उसको पेपर मार कर उसको जैसा हमने पेंट किया वैसा पेंट कर दीजिएगा, ताकि वो बारिश के टाइम पे लीकेज उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आज का हमारा वीडियो था, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।